देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सुरजागढ़ में पुलिस केंद्र मंजूर, लोह खदान की सुरक्षा के लिए गृह विभाग को भेजा गया था प्रस्ताव। गढ़चिरौली जिले के सुरजागढ़ लोहा खदान की सुरक्षा के लिए नेंडर व येलचिन में पुलिस मदद केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव महासंचालक कार्यालय द्वारा गृह विभाग को भेजा गया था। पिछले वर्ष 21 अप्रैल को उच्च अधिकारी समिति ने इसे मंजूरी दी थी। इसके बाद प्रस्ताव निधि के प्रावधान के लिए वित्त विभाग की ओर भेजा गया था। लगभग 1.5 वर्ष बाद प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। खनिज खदान परिसर नक्सल ग्रस्त है। इस परिसर में पुलिस और नक्सलियों के बीच अक्सर मुठभेड़ होती रहती है। ऐसे में खदान परिसर की सुरक्षा का दबाव पुलिस पर है। पुलिस की गश्त बढ़ाने की मांग। गढ़चिरौली वर्तमान स्थिति में चुनावी माहौल शुरू होने वाला है, साथ ही दिवाली उत्सव शुरू होने वाला है। ऐसे में शहर में चोरी की वारदातें होने की आशंका है। इस कारण पुलिस से रात के समय शहर में गश्त बढ़ाने की मांग नागरिकों ने की है। दिवाली के दौरान अनेक लोग अपने अपने गांव जाते हैं, ऐसे में चोरी की वारदातें होने की आशंका बढ़ जाती है। 22 महिला सहित 43 अपराधी तड़ीपार, शहर पुलिस ने की कार्रवाई। वर्धा आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग ने कानून व्यवस्था व शांति बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर थाना क्षेत्र में आने वाली करीब 43 शराब विक्रेता व विविध मामलों में लिप्त अपराधियों को तड़ीपार करने की कार्रवाई की गयी। उन्हें 25 अक्टूबर तक शहर में प्रवेश बंदी रहेगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।